हाय गाइस, दिस इज निकिता और मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। राखी सावंत उर्फी जावेद और अभी का लेटेस्ट औरी, इनका काम क्या है? इनकी लास्ट मूवी या कोई सॉन्ग कब रिलीज हुआ था? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं। लेकिन आप अभी अपना इंस्टाग्राम खोलो, आपके फीड पे इनके हजारों वीडियोस आ जाएंगे। कैसे? इंडिया का फेक पैपराजी कल्चर के वजह से। Smaller stars do call you, right? They See, send messages on media groups. They even ready to pay and they say, "Bhaiya, please, hamara shoot karo." कोई नाम दो ना। Everybody who's new, even everybody who's made it also will always start off. Have you ever called Papsa? I feel like initially हर कोई बुलाता है because Papsa very important. मतलब आज से literally 3-4 महीने पहले एक भी इंसान ने औरी का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आज औरी, who doesn't know औरी is? आज ये newspaper के headlines बना रहे हैं। Exactly same हुआ उर्फी जावेद के साथ भी। Out of nowhere, sudden rise in popularity. ऐसे कैसे? Well, सीधे शब्दों में बोलूं तो इनके pictures आपके फोन में इसीलिए आते हैं क्योंकि कई सारे celebrities paparazzis को अपनी एक एक पिक्चर क्लिक करने के लिए 50,000 तक भी पे करते हैं। Yes, ये paparazzi आज एक फुल फ्लेजर इंडस्ट्री बन चुकी है। इनफैक्ट आप ये सभी फेमस इंस्टाग्राम पेजेस जानते ही होंगे, विरल भयानी, मानव मंगलानी, विरिंद चौहान, ये सभी एक टाइम पे 500,000 रुपए कमाने वाले पैप्स हुआ करते थे जो आज करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। सो आखिर ये फेक पापराजी कल्चर कैसे काम करता है? क्या सही में कोई भी पैप्स को पैसे देकर मीडिया में जीरो से हीरो बन सकता है? लेट्स फाइंड आउट। 2013 का राखी सावंत और मिक्का सिंह का ये इनफेमस किस। 2016 में राखी सावंत का एक एक्ट्रेस के सुसाइड पे कहना कि भारत माता की जय बोलना जरूरी नहीं है जितना घर घर से सीलिंग फैंस हटाना जरूरी है, कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है। अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी को पूरे मीडिया के सामने थप्पड़ मारना, अपने आप को न्यू मायावती बना के पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करना, और शादी तो भाई साहब मुझे बिल्कुल उसके डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन 2019 में रितेश से शादी करना, फिर 2023 में आदिल से शादी करके इस्लाम कबूलना, फिर उससे डिवोर्स करके सबके सामने झगड़ा करना, उस पर चोरी का आरोप लगाना। राखी सावंत हैज ट्रूली ऑलवेज बीन कॉन्ट्रोवर्सीज बेबी, विच इज एग्जैक्टली माई क्वेश्चन। क्या राखी सावंत को आप उनके कॉन्ट्रोवर्सीज के अलावा उनके काम से जानते हो? उर्फी जावेद मेक्स मोर मनी देन एनी बॉलीवुड एक्टर राइट नाउ, ये कहना है विरल भयानी का। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हिसाब से भी 2023 में उर्फी का नेट वर्थ कुछ 21 मिलियन डॉलर्स 173 करोड़ रुपीस था। लेकिन क्या कोई उर्फी को उनके सीरियल्स में किए हुए रोल से पहचानता है? उनका भी सेम है, वियर्ड से वियर्ड चीजों से बने कपड़े पहनने के अलावा हाल ही में एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो आया था जिसमें उन्हें एक पुलिस ऑफिसर ने न्यूडिटी के लिए अरेस्ट कर लिया था, बट बाद में मालूम पड़ा कि ये सब कुछ स्टेज अरेंज था, कम्प्लीटली फेक था, इंक्लूडिंग वो पैप जो ये वीडियो निकाल रहा था वो भी फेक था। वो अलग बात है कि इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर सही में केस कर दिया फेक अरेस्ट वीडियो बनाने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी एक और वीडियो वायरल हुआ था रिसेंटली जिसमें उर्फी एक रेस्टोरेंट मैनेजर से झगड़ा कर रही है क्योंकि वो उसे उनके रेस्टोरेंट में जाने नहीं दे रहे थे उनके कपड़ों के वजह से। ये मुझे मेरे कपड़ों की वजह से मना कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये भी एक कंप्लीट पीआर स्ट्रेटजी थी जोमैटो को प्रमोट करने के लिए। सो माय पॉइंट इज, देखो किसी भी सेलिब्रिटी को अगर पब्लिक की आंखों में हमेशा रेलेवेंट रहना है या फिर एकदम से वायरल होना है उन्हें कुछ यूनिक करना ही पड़ता है। जैसे उर्फी जावेद के केस में उनका वियर्ड ड्रेसिंग सेंस, राखी सावंत का तो झगड़े और औरी के स्टुपिड डायलॉग्स एंड द टैक्टफुली क्रिएटेड मिस्ट्री, क्या आखिर ये बंदा करता क्या है? You go for a jog, you're a jogger. You paint, you're a painter. I'm living, I'm a liver. बेसिकली जब तक आपने अपने आप के लिए यूनिक निश कार्व आउट नहीं किया है एकदम से वायरल हो जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड ऑफ कोर्स ये सब करने के बाद दूसरा स्टेप ये बनता है कि आप ये सब कुछ करते हुए फोटोग्राफ हो, आपके ये वीडियोस फोटोज लोगों के फोन तक पहुंचे ताकि वो आपको पहचानने लगे, आपको जानने लगे और आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहे, एक्साइटेड रहे। लेकिन अगर आप एक न्यूबी हो या फिर अभी बॉलीवुड में उतने रेलेवेंट नहीं हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फेकिंग योर पैपराजी फोटोज, जो एक्चुअली आज जैसे मैंने बताया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। मतलब विरल भयानी, मानव मंगलानी, वीरेंद्र चावला, इन सब ने एक्सेप्ट किया है कि ये एक टाइम पे बस पैप्स थे जिनकी डेली इनकम 500 से हजार हुआ करती थी, लेकिन आज ये करोड़ों के कंपनीज चला रहे हैं जिसके अंदर 15 से 20 पैप्स काम करते हैं और जिनसे सेलिब्रिटीज को अपनी फोटोज पैप करवाने के लिए 10,000 से 50,000 तक भरना पड़ता है एक फोटो के लिए। यस, लेकिन हम जैसे आम जनता को इस इंडस्ट्री में कितने पैसे बनाए जा सकते हैं उसके बारे में जीरो नॉलेज होती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेल केप्ट सीक्रेट।
जस्ट लाइक द नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. बट एक्चुअली टाइम्स आर चेंजिंग राइट नाउ. मतलब फॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया अभी फाइनेंशियली ज्यादा अवेयर हो चुका है, इसलिए हम सभी इंडियंस का सिर्फ एक ही कॉमन गोल होता है, कैसे हम अपने वेल्थ को ग्रो कर सके. नाउ ऑफकोर्स आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपका बेस्ट चाहते हैं, इसीलिए आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं. लेकिन क्या वो आपके फ्यूचर नीड्स को समझते हैं? क्या वो मार्केट के मूवमेंट को समझते हैं? वेल, इसी के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक ऐसी कंपनी से जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल कन्वीनियंस और फिजिकल एक्सपीरियंस को ब्लेंड करके एक अमेजिंग फिजिटल एक्सपीरियंस सोल्यूशन निकाला है थ्रू देयर 5000 प्लस आउटलेट्स अक्रॉस 550 सिटीज. मोतीलाल ओसवाल. मोतीलाल ओसवाल एक रेनाउंड ब्रांड है विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो ना सिर्फ आपको एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप फॉर योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी आपकी हेल्प करते हैं. इनके एप्लीकेशन पे आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट्स, 50 से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंडिकेटर्स, प्री डिजाइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस एंड जस्ट सो मच मोर, सो दैट आप खुद से एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ. सो व्हाई टू वेट, टेक द नेक्स्ट स्टेप इन योर फाइनेंशियल जर्नी बाय साइनिंग अप विद मोतीलाल ओसवाल टुडे. Link is in the description. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Now coming back to the topic, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पापराजी इंडस्ट्री पैसे कैसे कमाती है और काम कैसे करती है. सो अगर आप पापराजी ये वर्ड भी देखो तो ये एक्चुअली कभी कोई रियल लाइफ पर्सन था ही नहीं, बल्कि ये तो 1960s की एक फिल्म ला डॉल्से वीटा का एक कैरेक्टर था पापराजो, जिसका काम था हाई प्रोफाइल लोगों के फोटोज लेना, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े. बस यहीं से ऐसे काम करने वालों के लिए ये एक प्रोफेशन बन गया जिसका नाम पड़ गया पापराजी. नाउ वेस्ट में तो ये कल्चर 1990 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 2002 में इस इंसान की वजह से, योगेन शाह, जो एक्चुअली इंडिया के फर्स्ट पापराजी भी थे. वो दरअसल उस दौरान बॉम्बे टाइम्स के लिए काम करते थे, जब उन्हें एक असाइनमेंट के लिए भेजा गया फेमस फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई की बेटी की शादी के लिए. लेकिन जब वो वहां पहुंचे तब सुभाष घई ने उन्हें पिक्चर्स लेने से मना कर दिया. तब उन्हें क्लिक हुआ कि उन्हें शादी में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो एंट्रेंस पे खड़े रहकर भी सारे सेलेब्स की पिक्चर्स निकाल सकते हैं. बस यही से इस कल्चर का कीड़ा इंडिया में भी शुरू हो गया. फिर आपको ऐश्वर्या और अभिषेक की गाड़ी का ये पिक्चर भी याद होगा जो एकदम से वायरल हो गया था. ये पिक्चर एक्चुअली खींचा था वरिंदर चावला ने, जिनका आज एक 3.1 मिलियन फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन तब वो सिर्फ एक पापराजी थे जो कैमरा लेके अपने बाइक में सेलेब्स के फोटोज के लिए जाते थे. सो उस दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी का तो काफी क्रेज था, लेकिन मीडिया में उनके कोई पिक्स रिलीज नहीं हो रहे थे. इसीलिए वरिंदर ने जब अपना ये पिक रिलीज किया तब उसकी बहुत हाई डिमांड बन गई, जिसके बाद से एकदम से एक ट्रेंड सा, एक रेस सा स्टार्ट हो गया कि अगर कोई सेलिब्रिटी वेडिंग हो या फिर कोई एक्टर के मूवी का फर्स्ट लुक हो, वो सब कुछ सबसे पहले मीडिया में कौन रिलीज करेगा, क्योंकि जाहिर है पैसा भी सबसे ज्यादा वही बनाएगा. फिर जैसे जैसे ये फील्ड में पैसा बढ़ने लग गया, वैसे ही यहाँ कुछ पैप्स भी अपने कंपनीज खड़े करने लग गए. सो वरिंदर चावला ने ही अपने एक इंटरव्यू में ब्रूट को बताया था कि उनके आज लगभग 15 से 20 पैप्स है जो दिन रात मुंबई की सड़कें घूमते रहते हैं सेलेब्स की स्पॉटिंग करने के लिए. इस इंडस्ट्री में सारे पैप्स को अक्सर एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है, जैसे बांद्रा में एक टीम होगी, जू में एक, और ऑफ कोर्स एयरपोर्ट में तो एक टीम कंपलसरी है ही. तो एरिया वाइज ही डिवाइड की गई है, बांद्रा में है, जू और एयरपोर्ट पे है. एंड इन पैप्स को सारे सेलेब्स के कार्स, उनके फेव स्पॉट्स, उनके घर और यहाँ तक कि उनका रूटीन, जैसे करीना कितने बजे जिम जाती है, सुबह जाती है, रणवीर शाम को जिम जाते हैं, तैमूर कितने बजे स्कूल जाता है, ये सब कुछ याद करना होता है. सवेरे करीना कपूर निकलते जिम में, रणवीर सिंह शाम को निकलता है, तैमूर निकलता है स्कूल में सवेरे, तो वो टाइम पे हम लोग जाके उधर वो जगह पे रुक के थोड़ा स्पॉट करते हैं पिक्चर. फिर ये सारे पिक्स खींच के उन्हें अपने बॉस को एक व्हाट्सएप ग्रुप में इमीडिएटली ट्रांसफर करना होता है. अगर ये ट्रांसफर इमीडिएटली नहीं हुआ और उनसे पहले किसी ने ये पिक्स मीडिया में रिलीज कर दिए, तो उनकी ये सारी मेहनत, सारे फोटोज की वैल्यू हो जाएगी जीरो. एक पिक्चर के खींचते ही अराउंड 5 से 10 मिनट के अंदर वो क्लाइंट के पास हो जानी चाहिए, वरना आजकल तो उसके बाद पिक्चर कुछ काम की रहती ही नहीं है. सो एवरीवन हैज ए मोबाइल, हैज ए डाटा कार्ड, हैज ए कार्ड रीडर, और वो फटाक से पिक्चर खींचते ही अपने मोबाइल में ट्रांसफर करता है और मुझे व्हाट्सएप कर देता है या मेल कर देता है. ऑफ कोर्स उस व्हाट्सएप ग्रुप से वरिंदर जी या फिर जो भी उनके बॉस रहेंगे वो अपने क्लाइंट्स को पिक्स फॉरवर्ड करेंगे, जो मोस्टली मीडिया चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर एजेंसीज होती है, जिन्हें ये अपने प्लेटफॉर्म पे यूज करना होता है और जिन पिक्स के लिए वो ऑफ कोर्स इन पापराजी एजेंसीज को पे करते. यहां से ही मैं सब चेक करता हूं, यहीं से मैं आगे उनको क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करता हूं या अपनी टीम.
वो फोटो जितनी लेटेस्ट, जितनी इंटीमेट या कॉन्ट्रोवर्शियल होगी उतना ही ज्यादा उसकी कीमत होगी। और क्योंकि मीडिया चैनल्स के पास ही सबसे ज्यादा बजट होता है, इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस भी इन्हीं को मिलता है, वरना दूसरा ऑप्शन बचता है सोशल मीडिया पे ये पिक्स रिलीज कर देने का। और हाँ, सिलेब्स की स्पॉटिंग के लिए इन पैप्स को सिलेब के लोकेशन की टिप कहीं से भी मिल सकती है, इसीलिए अक्सर सारे पैप्स या तो सिलेब्स के ड्राइवर्स को या फिर बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स को ब्राइब देते हैं ताकि वो उन्हें इन्फॉर्म कर दे सिलेब के एक्टिविटीज के बारे में। किसी रेस्टोरेंट के इधर हो, उसके वॉचमैन, उनसे अच्छी दोस्ती बनाए, वो हमें कुछ बताते हैं टिप्स या कुछ खबर देता सीन है। कितने बजे चालू होगा? ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में ऑफकोर्स कोई संडे या मंडे नहीं होता, कोई फेस्टिवल्स भी नहीं होते। इनफैक्ट उस दिन तो ऑलमोस्ट सारे सेलेब्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस सबकी स्पॉटिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो उस दिन वो एब्सोल्युटली लीव ले ही नहीं सकते हैं। हमारा काम जो है ना वो 24/7 है, ये मत सोचना कि संडे की छुट्टी होती है या सैटरडे की छुट्टी होती है। जिससे आप इमेजिन कर सकते हो कि इस बिजनेस में स्ट्रेस और रिस्क कितना ज़्यादा है। विरल भयानी ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो रही थी तब उनके टीम के 3 पैप्स सारा दिन फील्ड पे रहने की वजह से हॉस्पिटलाइज तक हो गए थे। मतलब आप खुद ही सोचो, आप सुबह से लेकर शाम तक इतने धूप में कार्स को हाई स्पीड में चेस कर रहे हो, आपको कोई लीव नहीं मिल रही, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, इतनी भीड़ में भी आपके ऊपर इमेंस प्रेशर है एक परफेक्ट स्नैप निकालने का। ऐसे में ऑफकोर्स फेटालिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आर्म्ड विद ओनली कैमरास एंड मोटरबाइक्स, इंडियाज पापराज्जी आर हंटर्स। करण जोहर का गाड़ी गया था एक बार मेरे पैर के ऊपर, वो अभी भी मेरे को दर्द हो रहा है। एंड जैसे मैंने बताया, जितना ज्यादा इंटीमेट, प्राइवेट, कॉन्ट्रोवर्शियल वो फोटो होगा उतना ही ज्यादा उसकी कीमत होगी, लेकिन वैसे फोटोज खींचने का रिस्क भी तो उतना ही हाई होगा। कुछ साल पहले रिलीज हुए ये पिक्चर शायद आपको याद ही होंगे, उस दौरान एक्टर पुलकित सम्राट अपने डिवोर्स के केस में एक लोकल कोर्ट गए हुए थे, जिसका टिप मिल गया संतोष नागवेकर को, जो एक फॉर्मर पैपराइजी थे। टिप मिलते ही वो तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट से निकलते हुए पुलकित के पिक्चर्स लेने शुरू कर दिए। ये बात पुलकित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने संतोष के ऊपर हाथ उठा दिया और ये पूरा इंसिडेंट एक फेलो पैप ने कैप्चर कर लिया। सो यस, लाइक एवरी इंडस्ट्री इसके भी दो साइड्स है, मतलब काफी सारे पैप्स ये काम करते हुए खुश भी है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, 6 साल हो गया मुझे। जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज, मतलब अनलाइक अदर सेलिब्रिटीज जो सामने से पे करके पैपराजीज को बुलाते हैं, काफी सारे सेलिब्रिटीज नहीं चाहते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ पैपराजीज की वजह से अफेक्ट हो। क्यों फोटो खींच रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये प्राइवेट प्लेस है कि नहीं, हम लोग ऐसे हाँ हाँ करते हैं, नहीं चढ़ाएंगे। इनफैक्ट इसी की वजह से कई बार सेलिब्रिटीज और पैप्स के झगड़े भी हुए हैं और फिर पैप्स ने उन्हें बॉयकॉट भी कर दिया है। ये आप लोग अफोर्ड कर सकते हो कि बॉयकॉट कर देंगे? हाँ, हम भी करते हैं। क्या हुआ था दिशा के टाइम, उन्होंने ना जू पीवीआर में फोटो दिया था, वहाँ से वो अनिल कपूर के घर पे आई, ठीक है, वहाँ पे तो फिर वहाँ ना पैप्स ने बहुत आवाज दिया हमको, मुड़के पलट के भी नहीं देखा था उन्होंने, तब कैसे सबको गुस्सा आया, अरे हम इतना रुके हैं, आप हमारे सामने से जा रहे हो, फिर भी आप, मतलब एक हमको भी लगता है कुछ आप रिस्पेक्ट दो तो अच्छा लगेगा कि हाँ बाबा दिया, पलट के देखो नहीं तो गुस्सा था, हाँ नहीं मारेंगे हमको, नहीं चाहिए हमको। सो या बेसिकली जैसे वो खुद ही बोलते हैं, लव अस और हेट अस बट यू कैन नॉट इग्नोर अस, एवरीथिंग एट द एंड कम्स टू जस्ट बेसिक डिमांड एंड सप्लाई। वो डिमांड जो हमारे व्यूअर्स की है तो उस टाइम हम थोड़ी लाइन क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड है वो। इन सेलिब्रिटीज की हर एक एक्टिविटी की, हर एक फोटो की डिमांड हम करते हैं, उनके कॉन्ट्रोवर्सीज हम सुनना चाहते हैं, इनके बच्चे स्टार्स बने भी नहीं उससे पहले उन्हें हम देखना चाहते हैं, तो जाहिर है ये पैप्स उनको क्लिक करेंगे ही ना। एंड देखो, अल्टीमेटली ये सब कुछ सिर्फ एक पीआर स्ट्रेटजी है, और आज की तारीख में तो पीआर पॉजिटिव हो या फिर पीआर नेगेटिव हो, पीआर इज पीआर। मतलब आपने देखा होगा कई सारे सेलिब्रिटीज मीडिया के सामने स्टूपिड स्टेटमेंट देते हैं, वियर्ड हरकतें करते हैं, झगड़ा करते हैं, वेल ये सब कुछ एक्चुअली एक वेल क्राफ्टेड पीआर स्ट्रेटजी होती है, एंड इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको पूरी पीआर इंडस्ट्री और स्पेशली नेगेटिव पीआर इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में बताने के लिए अलग अलग केसेस का एग्जांपल्स यूज करके जिसमें नेगेटिव पीआर स्ट्रेटजी यूज हुआ है और आपको पता भी नहीं चला है, ये सब कुछ हमने कवर किया है हमारे इस वीडियो में, आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके इसे देख सकते हो। और हाँ, अगर आप भी अपना वेल्थ ग्रो करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी बाय साइनिंग अप विद मोतीलाल ओसवाल टुडे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नया जानने मिला तो उसे लाइक जरूर करना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।